जी तो रेडी शेडी हम हो चुके हैं, भांडे भूडे मैं ले आई हैं सारे। आइए बस आओ। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे, राजी बाजी होंगे। वो साथ ही जाते यार हो गया मेरा। इधर 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 आराम से साइकिल आ रही है, आगे आगे देखो, आगे आगे देखो साइकिल आ रही है। हाँ ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ले जी, जुमे का दिन है और निकल पड़े हैं अपने अपने ठिकानों को। हम जुरान साहब को कीटा छोड़ूंगी, मैं अपनी क्लास के लिए जाऊंगी, फिलहाल जा रहे हैं बस पकड़ने। ये कोई काम है तेरा करने वाला? सीधा चल। और फिर आज भाई साहब रोटी शोटी खाने जाना है अपने एक जगह, और फिर कल जो है हमारे घर खैर से है दावत घर की, जो कि पिछले हफ्ते पोस्टपोन हो चुकी हुई थी और वो इस हफ्ते पे है। तो बस वीकेंड ज़रा बिजी होना है, तो व्लॉग्स व्लॉग बनाएंगे जितना बन सकेगा। अभी चलते हैं फिलहाल अपने अपने कमों को। आ जाओ ही किठे, गाड़ी आ रही है आगे, आ जाओ हाथ पकड़ लो, गाड़ी आ जाएगी। और चॉइस इधर से हो, एक तो इस गिट्ठे भाई के तेरे तल्ले डालने पड़ते ना कि भाई आ जा आ जा। मैं उधर जा रही हूँ दौरान, चलाओ फिर। आइए बस आवी 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 है, इधर ही रहो इधर ही। हाँ इसमें ही जाएंगे, आने दे उसको आगे, पीछे आओ पीछे आओ। लीजी जुरान को गीटा छोड़ने जा रही हूँ। अपना बैग जो है ना मैं क्लास में रख रही थी, क्योंकि भाई तलीम का मेरे ऊपर बहुत बोझ है, और ऊपर से दूसरा ये फिर मेरे साथ उठाया नहीं जाता, वो मैं क्लास में रख कर आ रही हूँ। अब इसको छोड़ने जा रही हूँ, छोड़ के फिर चलते हैं क्लास की तरफ। Thousand years later. तो क्लास लेके मैं फ्री हो चुकी भी थी, 15 मिनट जरा मैं बैठी बैठी रही। अब मैं जा रही हूँ जुरान के कीटा, देखती हूँ अगर तो वो उठ गया तो उसको लेकर निकल पड़ेंगे, नहीं तो बाहर बैठ जाऊँगी फिर वेट करूँगी। और भाई साहब कल का सीन ये है कि बारबेक्यू का हमारा प्लान था, लेकिन यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं, तो बारिश दिखा रहा था, तो वो हमारा सारा प्लान ख़राब हो गया। हमने कुछ और प्लान्स किए, लेकिन अभी फिर देखा कि मौसम तो ठीक हो गया, तो फिर से हमारा बारबेक्यू का प्लान बन गया। तो मौसम अल्लाह करे कि ठीक ही रहे, तो बाकी के प्लान्स आपको साथ साथ दिखाई जाऊंगी कि क्या बना है। अभी फ़िलहाल चलते हैं जुरान को लेने। लो जी चौधरी साहब आ चुके हैं, जाग रहा था ये, बस भाई साहब को पकड़ लिया, अब चलते हैं बस पकड़ते हैं। भाजी आ जाओ बाद मज़े लेना। बस का वेट कर रहे हो बेबी? हैं गोली, ओ इधर आ जाओ, आइए बस देखो नहीं आई बैठ पे। हाँ जब आएगी ना फिर देख के मुझे बता देना आई है कि नहीं आई। ओए आ तो नहीं गई, देखो जरा जो देख रहा हूँ इधर से, आइए देखो नहीं आई, चलो आ जाओ फिर। हाँ अभी आएगी फिर जाएंगे। लो जी भाई साहब अभी 2 ही बजे हैं और हम लोग घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 1:30 बजे वाली बस जो थी ना वो लेट हो चुकी हुई थी, तो तकरीबन जब हम पहुंचे तो आई, और हमने आना था 1:45 वाली बस पे, लेकिन हम वो वाली बस पे आ गए, अब हम पहुंच चुके हैं। और ये चौधरी साहब जो है ना अब चल ही नहीं रहे। दौरान चल लो जल्दी, बहुत गर्मी है। ठीक है नीचे जाओ, नीचे गाड़ी आएगी, आप फिर वो अंकल आपको डांटेंगे। आ जाओ इधर, हाँ चला। मैंने पाजी को दिखाया कि बाबा आ गए, वो जा ही जा रहा है आगे, जा ही जा रहा है, उसका जुमा पढ़ के सारी चीजें चीजें लेकर आ गए हैं। जुरान बाबा आ रहे हैं, आ जाओ इधर आ रहे हैं। अच्छा हमने यहीं से जाना है, आगे जाना है, मैं समझी पीछे गली थी। ओ इधर नहीं तो गाड़ी आ जाएगी। देखा गाड़ी है पीछे, देखा देखा, चलो अब आवाज दो आराम से आराम से आराम से। ही उदूगी बाबा, अस्सलाम वालेकुम करो पहले बाबा को। बाबा की मीटिंग है, बस पीछे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा भी। लो तो सीन कुछ ऐसा है कि उस्मान जो है ऑफिस करके अवेलेबल हो गए हैं, अब उस्मान का काम शाम करते हैं, गोश्त वगैरह सारा आ चुका है, उसको धोना है, फिर उसको मसाला वगैरह लगाएंगे,
और उस्मान फिलहाल गए हैं बाहर गार्डन की सफाई करने और मैं करती हूँ अंदर की सफाई, वैक्यूम लगाना है तो उसको बाहर निकाल दिया वरना वैक्यूम होगा और वो होगा कोई काम नहीं होगा, उसको बाहर निकाल दिया मैं अंदर से वैक्यूम लगाती हूँ और फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं क्या क्या करना है। फिलहाल चलते हैं वैक्यूम लगाते हैं। उस्मान के साथ बाहर काम में लगा रहेगा, मैं अंदर से सफाई करती हूँ उसके काम। बस इसीलिए इसके सामने वैक्यूम नहीं लगता कि उसने छोड़ना नहीं होता, सब पता उसे कि ये नकली शू शू नहीं करना होता, स्विच लगा के आवाज आती है। हम ये अपना काम कर रहे हैं और वो देखो कहो फनकानियां लगा। हेलो हाथ में बात नहीं है, नहीं छेड़ना। जी तो रेडी शेडी हम हो चुके हैं, सारा काम शाम हमने कर लिया था, उसके बाद फटाफट रेडी हुए, सवा छह यहीं पे हो गए, 6 बजे का टाइम था, बस अब चलते हैं। कैसे निम्रा के घर क्या चम्मच से नहीं खाते दीदी आप, भाभी आपने इसको कुछ सिखाया नहीं? काफी दिनों के बाद मिले थे, उन्होंने अपना नॉलेज ट्रांसफर नहीं किया। लो जी खवातीन हज़रात, रोटी शोटी खा के हम वापस आ गए हैं क्योंकि हमारे मेहमान आने लगे हैं, तो हमने जाके अब क्योंकि कल बारबेक्यू करना है तो अभी गोश्त वोश्त साफ़ करना है, कुछ भी नहीं किया था, अब गार्डन की सफाई कर रहे थे, अब जाके गोश्त साफ़ करते हैं, मसाला लगाते हैं, भांडे भूडे मैं ले आई हैं सारे, अब चलते हैं। सबसे पहले ज़ुरान को सुलाती हूँ, वो भी तंग हो रहा है क्योंकि उसको नींद आई है, उसको सुला के फिर बाकी काम करते हैं, तब तक हमारे मेहमान भी आ जाएंगे। लो जी खवातीन हज़रात, ज़ुरान को जो है मैं सुला चुके हैं, उस्मान ने जो है वो चिकन साफ़ कर रहे हैं, अब मैं जाती हूँ जाके मसाला लगाती हूँ और बस मेहमानों को अब इंतज़ार करते हैं, आने वाले होंगे ये आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे सुबह के व्लॉग में, सुबह होगी पार्टी शार्टी तो सुबह इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, अभी दें इजाज़त, टाटा बाय बाय।